नमस्कार दोस्तों, अभी आ रहे हैं, हाथ में देख रहे हैं आप, मेरे पास हाथ में ट्रांसफार्मर मौजूद है, जिसे हम बोलते हैं LBT, लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन टेम्परेचर ये ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन का मतलब होता है यहाँ से AC सप्लाई इन होती है और 220 इन होती है, तो कुछ कम वोल्टेज यहाँ से निकलती है, 9, 10, 12 ऐसे ही यहाँ से वोल्टेज बाहर आती हैं। तो हम इसको आज कोल्ड टेस्टिंग और लाइव टेस्टिंग दोनों करके दिखाते हैं। कोल्ड टेस्टिंग मतलब बिना कनेक्शन दिए हुए, फिर बाद में हम इसको कनेक्शन देके करेंगे। तो ये प्राइमरी वाइंडिंग है, इसके दोनों मोटी तार, हम इसको पहले चेक करते हैं कि ये सही है कि नहीं। तो मल्टीमीटर लेना है, क्लैंप मीटर है हमारे हाथ में, मैं इसको सेट कर लेता हूँ ओम्स पे, इसको किलो ओम्स ओम्स पे लगा लिया मैंने। अब इसमें जो वैल्यू दिखाई देगी ये होगी प्राइमरी वाइंडिंग का, 0.457 किलो ओम्स दिखा रहा है। अब मैं इसकी सेकेंडरी वायरिंग में देख रहा हूँ कितना ये कितना दिखाता है वैल्यू। तो ये सेकेंडरी वायरिंग है इसकी, सेकेंडरी इस पर मैंने चेक किया तो मुझे इसमें 3.4 मिल रहा है। तो ये इसका मतलब प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों ओके हैं। अब हम इसको देखे देखेंगे सप्लाई देंगे, तब हम आपको इसको दिखाते हैं कि इसमें कितनी वोल्टेज बाहर आती है। तो अभी हमने इसके कनेक्शन कर रखे हैं, मैंने यहाँ पे आप देखोगे मैंने एक बोर्ड यूज़ किया है, इसके दो तारे मैंने इसके लाइन और न्यूट्रल दे दी है। अगर आप चेक करना चाहेंगे मैं मल्टीमीटर से चेक करा देता हूँ आपको। ये मैंने रख दिया बोल्ट पे और मैं इन दोनों पोर्ट पे रख के दिखा देता हूँ। इसमें AC सप्लाई आ रही है 229, इसका मतलब AC सप्लाई आ रही है। इसमें से जो बाहर आएगी AC सप्लाई ही बाहर आएगी, लेकिन कम वोल्टेज आएगी। तो मैं इसमें चेक करता हूँ आ रही है नहीं आ रही, तो मैंने इसको पकड़ लेता हूँ और इसको चेक करते हैं। पंद्रह से सत्रह वोल्ट के बीच में बाहर आना चाहिए। तो यहाँ पे 17 वोल्ट देख रहे हैं आप, AC आउटपुट कर रहा है, 17 वोल्ट इसमें बाहर आ रही है। अब हम अगर इसको